हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग टॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता, जिसे शून्यवाद भी बोला जाता है। ऑप्शन है नागार्जुन, शंकराचार्य, हरिसेना और वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता दी गई है नागार्जुन के द्वारा, ये इसका सही आंसर है। हम डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। जो नागार्जुन थे वो फ्रेंड थे, कंटेम्प्रेरी थे सातवाहना किंग यजनेश्री गौतमी पुत्र के, और साथ ही साथ उन्होंने ये थ्योरी दी थी माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी की, जिसे पॉपुलरली बोला जाता था शून्यवाद। शून्यवाद भी बोला जाता था डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज वॉइड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, सब कुछ वॉइड है। वो आप नाम से ही देख सकते हैं, शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब ही होता है वॉइड, जीरो। ओके, तो डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज वॉइड और वॉइडनेस ही जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, नागार्जुन के द्वारा दी गई थी। डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसे बोलते हैं। माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी से बिलोंग करते थे, शून्यवाद की फिलोसफी दी थी, जिसे डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज वॉइड भी माना जाता है। और वॉइडनेस ही इनके अकॉर्डिंग क्या थी, अल्टीमेट रियलिटी थी। ओके, और कंटेम्प्रेरी किसके थे, सातवाहना किंग यजनेश्री गौतमी पुत्रा के। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि ये कंटेम्प्रेरी थे सातवाहना किंग के। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर इन्वेजन। जब एलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी जो है इंडिया में रूल कर रही थी, नॉर्थ इंडिया में पूछा गया है। ऑप्शन है नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, संगा डायनेस्टी या फिर कन्वा डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस टाइम नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी नंद डायनेस्टी, ए इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को 326 BC में। नंदा जो है ओवर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम, उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में नंद रूल कर रहे थे। जो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें इन चारों डायनेस्टी की, तो सबसे पहले थी नंद डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी, देन सुंगा डायनेस्टी एंड देन कान्वा डायनेस्टी। और जो नंदा डायनेस्टी है उसने नॉर्दर्न पार्ट में रूल किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ड्यूरिंग द 4th century BCE में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, कुछ जगह दी गई है तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है लुम्बिनी, देन बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। और ये जो है लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड जगह है, आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बतानी है इनकी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लुम्बिनी की बात करते हैं। यहाँ पे जन्म हुआ था बुद्धा का, बर्थ प्लेस है ये बुद्धा का। बोध गया में जो है उनकी एनलाइटमेंट हुई थी, एनलाइटमेंट। सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। और कुशीनगर में महा परिनिर्वाणा हुआ था, मीन्स उनकी डेथ हुई थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो लॉर्ड बुद्धा है उनका जन्म हुआ था अप्रोक्सीमेटली 623 BC में, कहाँ पे, सेक्रेड एरिया ऑफ लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है ये कहाँ पे आता है, ये आता है टेराई प्लेन्स ऑफ सर्दरन नेपाल में ये आता है। और ये जो है टेस्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी है इसके रिगार्डिंग, जो पिलर पे लिखी हुई है। मौर्यन एम्परर अशोका ने ये लिखवाई थी 249 BC में। ओके, और यदि बात करें बोध गया की, बोध गया जो है ये एक रिलीजियस साइट है और पिलग्रिमेज साइट है, जो कि एसोसिएटेड है महाबोधि कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है गया डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पे आता है, ये बिहार में आता है। ओके, और ये किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे इनलाइटमेंट हुई थी गौतम बुद्धा की, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सारनाथ की। सारनाथ जो है बुद्धा ने जो फर्स्ट सरमन डिक्लेयर किया था वो यहीं पे किया था। यहाँ पे डियर फॉरेस्ट है सारनाथ में, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। और ये नॉर्थ ऑफ बोध गया में आता है, ये भी कहाँ पे है, ये भी बताइए सारनाथ कहाँ पे आता है, कौन सी स्टेट में आता है, ये आप मुझे बताएंगे। तब तक हम बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर ऑलरेडी मैंने बताया है, ये डेथ प्लेस है गौतम बुद्धा का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गोपुरम आर्ट रीच इट कॉम्प्लेक्स विद नायका स्कूल एंड मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई वॉज द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड।
यहाँ पे बोला गया है कि जो गोपुरम आर्ट है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची नायका स्कूल के अंडर, और जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में वहाँ पे टोलेस्ट गोपुरम है वर्ल्ड का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोपुरम क्या होते हैं, ये एंट्री गेट बनाए जाते हैं, ये द्रविड़ियन स्टाइल में होते हैं, द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। ओके, थ्री फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो है द्रविड़ियन, नागर स्टाइल और वे सारा। ओके, गोपुरम जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ पे ह्यूज गेट बनाए जाते हैं, और जैसे कि बोला गया है मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है, यहाँ पे टोलेस्ट गोपुरम है वर्ल्ड का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बादामी टेम्पल। बादामी टेम्पल जो है वो एग्जाम्पल है विजयनगर स्कूल का। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगी। बादामी टेम्पल जो है वो एग्जाम्पल है वेसारा स्कूल का, वेसारा टेम्पल है आर्किटेक्चर का। वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा होता है और नागर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको से बात की है, द्रविड़ियन जो है वो साउथ में होता है स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का, नागर नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया, और वेसरा जो है इन दोनों का मिक्सचर है, नागर और द्रविड़ियन का। ओके, ये मोस्टली कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका स्टेट में पाया जाता है ये स्टाइल। तो बादामी टेम्पल जो है वेसरा स्टाइल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोटस महल और विट्ठल स्वामी टेम्पल एग्जाम्पल है वेसरा स्कूल के। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है विजयनगर स्कूल के। तो सेकंड और थर्ड जो है वाइस वर्सा दी गई है, बादामी टेम्पल जो है वो वेसरा स्कूल का है और लोटस और विट्ठल स्वामी टेम्पल विजयनगर स्कूल का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल की, ये बाराकर में आता है और ये एग्जाम्पल है पाला स्कूल का। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पाला पाला जो थे ये रूलर थे, इन्होंने कहाँ पे रूल किया था, इन्होंने बंगाल में रूल किया था। ओके, और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो है वो एग्जाम्पल है पाला स्कूल का। तो सही स्टेटमेंट क्या हुई, वन एंड फोर इसका सही स्टेटमेंट है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नायका स्कूल है, नायका स्कूल मीनाक्षी टेम्पल उसका एग्जाम्पल है, मदुरई में ये बना हुआ है और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोपुरम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेसरा स्कूल की, वेसरा स्कूल का एग्जाम्पल है बादामी टेम्पल्स, लाड़खान टेम्पल जो ऐहोल में है, डोडा बसापा टेम्पल जो डंबल में है। नेक्स्ट है विजयनगर स्कूल, विजयनगर स्कूल का एग्जाम्पल है लोटस महल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। होयसाला आर्ट का एग्जाम्पल है चिन्नकेश्वर टेम्पल जो बेल्लूर में है, और होयसलेश्वर टेम्पल जो हलेबिड में है। नेक्स्ट है पाला स्कूल, पाला स्कूल का एग्जाम्पल है टेम्पल अलाउंड अराउंड विष्णुपुर, और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बाराकर में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस बिटवीन द फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक दिया गया है और कौन सी स्टेट का वो फोक म्यूजिक है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है ओवी मध्य प्रदेश का है, तो ये रोंग हो जाएगा, ओवी जो है वो है महाराष्ट्र और गोवा का। पई सोंग, पई सोंग कहाँ का है, पई सोंग है मध्य प्रदेश का, तो ये भी इनकोरेक्ट मैच है। लावनी, लावनी तो आप सभी को ही पता होगा, ये महाराष्ट्र का फोक सॉन्ग भी है और फोक डांस भी है, तो थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। मांड, मांड जो है ये है राजस्थान का, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूछा गया है अबव स्टेटमेंट में से जो है कौन सा इनकोरेक्टली मैच है, तो सभी इनकोरेक्टली मैच है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवी फोक म्यूजिक की। ओवी फोक म्यूजिक जो है ये है महाराष्ट्र और गोवा का, और ये जो है सॉन्ग किसके रिगार्डिंग है, अबाउट द हाउस होल्ड वर्क ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग ये गाया जाता है। नेक्स्ट है पाई सॉन्ग, पाई सॉन्ग जो है ये मध्य प्रदेश का है, इसे गाया जाता है अबाउट गुड मॉनसून एंड गुड हार्वेस्ट इन द रेनी सीजन। नेक्स्ट है लावनी, लावनी जो है ये फोक म्यूजिक भी है, फोक डांस भी के साथ इसे अकम्पनी किया जाता है, और ढोलकी जो है वो इसका मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मांड, मांड जो है ये फोक म्यूजिक है राजस्थान का, और इसे डेवलप किया जाता है मेनली रॉयल कोर्ट्स में, और जो ये सॉन्ग है ये गाया जाता है अबाउट राजपूत रूलर्स टू प्रेज देम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मोलम नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, मोलम नेशनल पार्क पूछा गया है, ऑप्शन है गुजरात, गोवा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा मोलाम नेशनल पार्क आता है गोवा में। हम डिटेल में इस पार्क के बारे में देख लेते हैं।
भगवान महावीर सेंचुरी और मोलाम नेशनल पार्क, ये जो है फैला हुआ है 240 स्क्वायर किलोमीटर में, प्रोटेक्टेड एरिया है ये। कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में आता है साउथ इंडिया के, और शंगम तालुक में आता है गोवा के, और इसका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो कर्नाटका के साथ है। और एरिया ये कहाँ पे आता है? मोलम एक टाउन का नाम है, उसी के नाम पे नेशनल पार्क का नाम भी है। और ये मोलम टाउन जो है पणजी से 57 किलोमीटर दूर है। पणजी जो है वो कैपिटल है गोवा की। साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे 4A है वो इसे डिवाइड करता है, इस नेशनल पार्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नेशनल हाईवे 4A। साथ ही साथ जो मार्मा गोवा लोंडा रेलवे लाइन है वो इसके अंदर से पास करती है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे कडम्बा डायनेस्टी के। दूध सागर फॉल है यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो पार्कलैंड एरिया है यहाँ पे कम्युनिटी रहती है नोमैडिक बुफेलो हर्डर्स की, जिसे डांगर कम्युनिटी बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं इस पार्क के रिलेटेड आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड ओनली वंस इन अ ईयर? इनमें से कौन सी सिटी ऐसी है जहां पे मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड होता है साल में केवल एक बार? ऑप्शन है दिल्ली और चेन्नई, श्रीनगर और दार्जिलिंग, हैदराबाद एंड कोहिमा, या फिर नागपुर एंड कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर एंड कोलकाता। वैसे तो इनमें से कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट ये क्लोज आंसर है डी, नागपुर और कोलकाता जो है ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में। वंस इन अ ईयर जो है मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड होता है उन उन सिटीज के जो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सिटीज आती हैं, बट इनमें से कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है, बट नागपुर और कोलकाता जो है ये बिल्कुल क्लोज में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरेटिव टू अदर ऑप्शंस, इसलिए डी इसका सही आंसर है। सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी को ही लिया गया है, नागपुर और कोलकाता को। बट इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है ओनली वंस इन अ ईयर उन सिटीज के जो आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23°26′16′ नॉर्थ में। ओके, और जो इसके ऊपर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो सिटीज आती हैं वहां पे कभी भी सन ओवरहेड नहीं होता है, और जो बिलो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वहां पे ट्वाइस अ ईयर जो है सन ओवरहेड करता है। वो कब कब करता है? बिटवीन 22 मार्च से 22 जून, और दूसरा टाइम है जून 22 से सेप्टेम्बर 22। यही डेट क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, तो उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 2 टाइम ये ओवरहेड करता है। और जो भी सिटीज जो है लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अबव, और जितने भी ये सिटीज दी गई हैं ऑप्शंस में, ये सारी सिटी या तो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या फिर नीचे है, और अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, किए हैं। जो क्लोजेस्ट है वो नागपुर और कोलकाता है, इसलिए नागपुर और कोलकाता को करेक्ट आंसर लिया गया है। ये तो हमने इंडिया के रिगार्ड में बात की है, यदि हम पूरे ओवरऑल बात करें तो क्या होता है? ओवरऑल में यदि बात की जाए तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी सिटीज आती हैं यहाँ पे सन जो है ओवरहेड होता है ट्वाइस अ ईयर। ओके, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का एरिया है यहाँ पे ओवरहेड कभी भी नहीं होता है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो नीचे का एरिया है वहाँ भी ओवरहेड कभी नहीं होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितनी सिटीज हैं वहाँ पे वंस होता है ओवरहेड। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी वंस इन अ ईयर ओवरहेड होता है सन, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सनरेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, बाकी जो है एंगल ऑफ सनरेज जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करते हैं। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, तोंगू पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टेड इंडिया विद, जो तोंगू पास है ये जो है किसके साथ इंडिया को जोड़ता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, डी इज द राइट आंसर।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये पास कहाँ पे आता है। तांगुम पास जो है ये माउंटेन कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से, और ये पास जो है आता है सेंडोवे डिस्ट्रिक्ट में म्यांमार की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी टेकन एज एविडेंस टू शो दैट अर्थ इज स्फेरिकल। ऑप्शंस हैं द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैव डे व्हेन अदर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज नाइट, द अर्थ ओरिजिन इज सीन टू बी कर्व्ड व्हेन शियर फ्रॉम एन एरोप्लेन, द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एज अ एविडेंस एक्ट करती है ये बताने के लिए कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अर्थ के कुछ पार्ट पे दिन होता है और कुछ पार्ट पे नाइट होती है, ये शो करता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। आपको पता ही है इस तरीके से हमारी अर्थ होती है और सन जो है तो हाफ पार्ट में ये जो है डे होगा और हाफ में क्या होती है नाइट होती है। ये किस वजह से होती है? क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। यदि अर्थ स्फेरिकल ना होती तो पूरी अर्थ पे जो है एक ही साथ दिन होता और एक साथ ही नाइट होती। ओके, तो यही एविडेंस है इसका, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है एन ऐप लाइक क्रिएचर आइडेंटिफाई एज मैन अपियर्ड इन। बताइए कौन से युग में ये था, पैलिस्टोसीन, पैलियोसीन, मायोसीन या फिर ओलिगोसीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैलिस्टोसीन एपोक, ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो पैलिस्टोसीन एपोक है वो टिपिकली उसे डिफाइन किया जाता है एज अ टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ था अबाउट 2.6 मिलियन ईयर एगो और ये लास्ट किया अंटिल अबाउट 11,700 ईयर एगो तक। और जो मोस्ट रिसेंट आइस एज अकर्ड हुई थी उस टाइम पे क्या था, सभी जो ह्यूज पार्ट था प्लैनेट अर्थ का वो कवर्ड था ग्लेशियर से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर इज टकला मकान डेजर्ट। टकला मकान डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है? ऑप्शन है चाइना, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टकला मकान डेजर्ट आता है चाइना में, ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। जो टकला मकान डेजर्ट है ये डेजर्ट है साउथ वेस्ट जिंजियांग में जो नॉर्थ वेस्ट चाइना में आता है। जिंजियांग प्रोविंस काफी न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पे जो उग्यूर मुस्लिम रहते हैं उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज की जाती है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। उग्यूर मुस्लिम्स ये जो है एथनिक माइनॉरिटी है चाइना की, तो काफी न्यूज में रहता है जिंजियांग प्रोविंस चाइना का। और ये जो है इट इज बाउंडेड बाय कुनलुन माउंटेन। कुनलुन माउंटेन है इसके साउथ में, पामीर माउंटेन है इसके वेस्ट में, तियान शाह रेंज है इसके नॉर्थ में और गोबी डेजर्ट है इसके ईस्ट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया। इंडिया तो नहीं है, आप सभी को पता है इंडिया ऑलरेडी जो है इंपोर्ट करता है, अपनी नेसेसिटी के लिए भी इंपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। जो चाइना है वो डोमिनेट करता है ग्लोबल कोल प्रोडक्शन को एंड अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 47% ऑफ द वर्ल्ड इंटायर आउटपुट इन 2019। 2019 में जो है ऑलमोस्ट 47% वर्ल्ड के इंटायर आउटपुट का जो है वो कहाँ से था? चाइना से था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई। तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मैंने आपको सभी क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में भी बताया है, क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में भी बताया है, तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा। ऑप्शन है रेपो रेट, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसका सही आंसर है क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, इनमें से रेपो रेट भी है, बैंक रेट भी है, SLR भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, ये क्वालिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल। ओके, तो 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है और कितने क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं वो है बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट कंडीशंस। अब इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की। ये क्या होता है? ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक को मेंटेन करना होता है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या फिर अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में। और एसएलआर जो है वो इंश्योर करती है सोल्वेंसी ऑफ द बैंक, कि बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, थोड़ी बहुत सोल्वेंसी हो बैंक के पास, इसलिए एसएलआर रेट रखा जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट किए गए बैंक में, तो और एसएलआर जो है वो 20% है। 20% जो है वो 1000 का क्या होगा? 200। तो 200 जो है वो एसएलआर की फॉर्म में रखेंगे और 800 बैलेंस बैंक अपने पास रख लेगा। और एसएलआर हमने देखा है वो गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यदि इसे सिक्योरिटी की फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल रख लिया गया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और इसका परसेंटेज जो है वो वैरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे बैंक चाहेगा वो उसको वैरी करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशो की। कैश रिजर्व रेशो जो है वो परसेंटेज ऑफ मनी होती है जो बैंक को रखनी होती है आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में। ओके, ये तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि कैश की ही फॉर्म में ये होगा, कैश रिजर्व रेशो है। ओके, और इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट है बैंक के पास $1000 का। ओके, उसमें 5% सीआरआर है, तो उसका 5% मीन्स $50 जो है वो किसको देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कैश की फॉर्म में। बट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सीआरआर पे जो है बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सीआरआर का यूज किस लिए किया जाता है? ये यूज किया जाता है रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनमी। आई होप एसएलआर और सीआरआर के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को, वो होता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होगा, नाम से ही पता है रिवर्स रेपो है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है कॉमर्शियल बैंक लेंड करते हैं आरबीआई को। ओके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे नेशन का सेंट्रल बैंक, हमारे केस में आरबीआई, मीन्स इंडिया के केस में आरबीआई है, ये लेंड करता है मनी कॉमर्शियल बैंक्स को। और किसकी फॉर्म में? शॉर्ट टर्म लोन्स की फॉर्म में। तो आपको अभी आपको लगा होगा कि बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही लेंड कर रहा है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो रेपो रेट होता है उसमें जो है सिक्योरिटीज भी दी जाती है, परचेजिंग सिक्योरिटीज। ओके, ऑन द अदर हैंड जो बैंक रेट है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेपो रेट में और बैंक रेट में। आई होप आपको सभी क्वांटिटेटिव मेजर समझ आ गए होंगे, एसएलआर क्या है, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इन्फ्लेशन स्पायरल इज और एन, जो इन्फ्लेशन स्पायरल है वो क्या है? स्पायरल का मतलब क्या है? एक तरीके से चक्कर, कुंडली, यहाँ पे हिंदी में मेंशन है कुंडली। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मेजर टू एड्रेस इन्फ्लेशन बाय आरबीआई। तो इसका तो स्पायरल से कोई लेना देना ही नहीं है, कि मेजर तो ये नहीं हो सकता है इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए आरबीआई के, तो ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी मेजर कॉज्ड ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शंस की वजह से, तो ये भी नहीं है क्योंकि डिमांड है और सप्लाई दोनों, ऐसा भी नहीं है, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कॉज्ड ड्यू टू वेज एंड प्राइस इंटरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है किस वजह से? वेज और प्राइस इंटरेक्शन की वजह से। इस केस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वेज बढ़ी, वेज बढ़ाई गई तो उसके काउंटर करने के लिए प्राइस को बढ़ा दिया गया, फिर प्राइस बढ़ा तो जो वर्कर हैं वो कहेंगे कि भाई बहुत महंगाई है, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो फिर से वेज बढ़ाई गई, फिर से उसको उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, कि वेज ज़्यादा है तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया। इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, इसे ही बोला जाता है इन्फ्लेशन स्पायरल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी टर्म में ये यहाँ पे भी मेंशन है, तो मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस राइज होता है प्राइजेस में, दैट इज सस्टेन्ड बाय टेंडेंसी ऑफ वेज इंक्रीज। वेज इंक्रीज होती है तो कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाती है, और इसी तरीके से ये एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं ऑन ईच अदर। कॉस्ट इंक्रीज हुई, फिर वेज इंक्रीज हुई, वेज इंक्रीज हुई, कॉस्ट इंक्रीज हुई, इसे बोला जाता है इन्फ्लेशनरी स्पायरल सिचुएशन।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनमें से कौन सा जो है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, सॉरी आता है, पूछा है फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, इंक्लूड किया गया है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. ऑप्शन है डिफेंस इक्विपमेंट, एक्सटर्नल ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसका सही आंसर है 2 और 3. डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट टू फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट ये आते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा. बट प्रेजेंट में जो है ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसे हटा दिया गया था 2017-18 में. हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं. जो डिफेंस सर्विसेज हैं एक्सेप्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स, सब्सिडीज, ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब जो है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते थे. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने अनाउंस किया था 2016 में कि जो क्लासिफिकेशन है प्लान एक्सपेंडिचर की और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की उसे एबॉलिश कर दिया जाएगा. जो प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन है उसे रिमूव कर दिया गया था 2017-18 में. और ये किसकी रिकमेंडेशन पे रिमूव किया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगराजन कमेटी, सी रंगा राजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है इसे रिमूव कर दिया गया था इस क्लासिफिकेशन को. प्रेजेंट में क्या यूज होता है, प्रेजेंट में जो है गवर्नमेंट रिक्लासिफाई करती है अपने एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग. ओके, पहले कैसे होता था, पहले होता था प्लैंड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बट अभी होता है कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग. और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है, रेवेन्यू स्पेंडिंग क्या होता है. कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इसमें आती है लोन्स से रिलेटेड चीजें, लोन्स आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई. रेवेन्यू में क्या होता है, डे टू डे फंक्शन को रन करने के लिए जो स्पेंडिंग की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करनी है, पेंशन हैं, स्कीम्स हैं, इंटरेस्ट पे है, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब आते हैं रेवेन्यू स्पेंडिंग में. और लॉन्ग टर्म वाले फॉर एग्जाम्पल लोन्स लिया है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कैपिटल स्पेंडिंग में आती हैं. आई होप क्लैरिटी हो गई होगी. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है टैक्स इवेजन के रिगार्डिंग. टैक्स इवेजन जो है ये लेजिटिमेट टूल होता है टैक्सेस को मिनिमाइज करने के लिए. इसमें जो मेथड यूज किए जाते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं बाय इंडियन रेवेन्यू सिस्टम. नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस जो है ये इलीगल एक्ट है और प्रैक्टिस है फेलिंग टू पे टैक्सेस विच आर अर्न. तो यहाँ पे वाइस वर्सा दिया हुआ है. टैक्स ये नाम से भी आप देख सकते हैं, इवेड का मतलब क्या करना, कर चोरी, इवेजन. तो ये तो कभी लेजिटिमेट हो ही नहीं सकता है, ये इलीगल एक्ट है. टैक्स अवॉइडेंस जो है ये लेजिटिमेट मिनिमाइजिंग है टैक्सेस की. तो ये वाइस वर्सा यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा गया है इनकोरेक्ट कौन से हैं. तो दोनों ही इनकोरेक्ट हो गया. सी इज द राइट आंसर. विद एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. वैसे तो हम देख चुके हैं कि टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है. अब हम विद एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके. टैक्स अवॉइडेंस का एग्जाम्पल है जैसे कि लेजिटिमेट डिडक्शन करना टू मिनिमाइज बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लोअर दस लोअर योर बिजनेस टैक्स बिल, या फिर टेकिंग टैक्स क्रेडिट लेना फॉर स्पेंडिंग मनी फॉर अ लेजिटिमेट पर्पज. लेजिटिमेट पर्पज मीन्स चैरिटी करना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि टैक्स डिडक्शन में बेनिफिट मिलता है, या फिर होम लोन्स यहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है. इस तरीके के कुछ स्टेप लेना टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ये लेजिटिमेट वे होता है टैक्सेस को मिनिमाइज करने का. और यदि हम बात करें टैक्स इवेजन की, टैक्स इवेजन जो है ये इलीगल एक्ट होता है. इसका एग्जाम्पल है प्रोवाइड करना फॉल्स इंफॉर्मेशन टू IRS, या फिर डेलिबरेटली अंडर पे करना टैक्सेस को. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन. वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है. ऑप्शन है फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट अ टाइम ऑफ इनक्योरिंग लॉसेस, या फिर लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड की जाती है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज को. तो इसका सही आंसर होगा ये स्टार्टअप को दिया जाते हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं उनको वेंचर कैपिटल बोला जाता है इस इन्वेस्टमेंट को. यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर एग्जांपल TCS है,
वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, लॉन्ग स्टार्टअप्स में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ओके, इस तरीके के फंड को बोला जाता है वेंचर कैपिटल। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो वेंचर कैपिटल होती है ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप कैपिटल है जो प्रोवाइडेड की जाती है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को। ये इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी रिस्की होती है क्योंकि न्यू एंटरप्रेन्योर्स है और स्टार्टअप है तो रिस्की तो होगा ही, लेकिन ये जो है इम्प्रेसिव रिटर्न्स भी दे सकती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू, जो 1935 का एक्ट था उसमें रेजिडरी पावर्स जो है वो किसके पास थी, फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नर के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 वाला जो एक्ट था उसमें रेजिडरी पावर जो थी वो थी गवर्नर जनरल के पास। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट में आप मुझे बताइए, प्रेजेंट में रेजिडरी पावर किसके पास है, प्रेजेंट में ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ द रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट और आर्टिकल 248(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। लिस्ट टू लिस्ट थ्री ये क्या है, लिस्ट टू जो है ये स्टेट लिस्ट है और लिस्ट थ्री क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, और लिस्ट वन जो है वो होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे तो बनाती ही पार्लियामेंट लो है। ओके, तो उसके अलावा जो भी है वो किसमें आएगा, वो आएगा रेजिडरी पावर में। रेजिडरी पावर किसके पास है, वो है पार्लियामेंट के पास। और ये तीनों लिस्ट बताइए मुझे कौन से शेड्यूल में आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आती है शेड्यूल सेवन में, शेड्यूल सेवन सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है लिस्ट वन टू एंड थ्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर स्टेट, बताइए। फर्स्ट है इंडिया हैज मैनी रिलीजन, सेक्युलर स्टेट के रिगार्डिंग बताना है क्योंकि अगर आप सिंपली देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया में जो है रिलीजियस फ्रीडम है ये भी सही है। टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, देर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, बट यहाँ पे पूछा है इन द एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट की टर्म में इनमें से स्टेटमेंट जो सही है वो है देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इंडिया में जो है स्टेट की, जो इंडिया की स्टेट इन इंडिया है उसमें कोई रिलीजन नहीं है, मीन्स ऑफिशियली हमने डिक्लेयर नहीं किया है किसी रिलीजन को इंडिया की रिलीजन। ओके, तो डी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसे बोला जाता है कि इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब है कि इंडिया जो है उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन, उसकी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट की। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्बॉडीज करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, किन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन है बैंक्रप्ट्स को, एलियंस को, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज और नन ऑफ द अबव। एलियंस का मतलब क्या है, जो नॉन सिटीजन्स है, जो इंडियंस नहीं है, विदेशी हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको दिए गए हैं, बैंक्रप्ट्स के लिए भी हैं, एलियंस के लिए भी हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज के लिए भी हैं, सबके लिए होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट हम रिविजन पर्पज से एक और बार देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल 30, ये वाले फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं इंडिया के, फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो पॉलिटिकल राइट नहीं है। ऑप्शन है राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन और राइट टू लॉज कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप सभी को ये तो पता ही होगा कि राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो आप एलिमिनेशन से भी इसका आंसर कर सकते हैं कि बी जो है वो पॉलिटिकल राइट नहीं है, बी तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स सभी को ही टिप्स पे पता होंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं।
आर्टिकल 21 में जो है मेंशन है राइट टू लाइफ, ये फंडामेंटल राइट है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये पॉलिटिकल राइट नहीं है। बाकी राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, राइट टू लॉज कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब हैं पॉलिटिकल राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे चीज़ों को ये कवर करता है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ, राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है जो मेंशन है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आता है राइट ऑफ इंजॉयमेंट, पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। मीन्स बहुत सारे आर्टिकल कवर, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करता है आर्टिकल 22। काफ़ी वास्ट है, आप देख लीजिएगा इस आर्टिकल को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, मींस फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड नहीं कर सकते। सेकंड है कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी से जो है पार्लियामेंट की जो है अमेंड किया जा सकता है, या फिर इन्हें अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से। थर्ड है इनको अमेंड किया जा सकता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, और रेटिफाई भी करना चाहिए मेजोरिटी ऑफ स्टेट इन स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी। जो फंडामेंटल राइट है उनको अमेंड किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है पार्लियामेंट की? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, इसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव 0 रिलक्टेंट आर रिजल्टेंट आर। ऑप्शन है 2, 4, मोर देन 4 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, डी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 वेक्टर्स होने चाहिए टू गिव 0 रिजल्टेंट। ओके, मिनिमम कितने वेक्टर होने चाहिए? 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन हार्ट पेसमेकर। जो हार्ट पेसमेकर्स होते हैं उनमें इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या फिर रेडियम। तो सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, सी इज द राइट आंसर। हार्ट पेसमेकर में प्लूटोनियम का यूज होता है। डिटेल में हम देख लेते हैं। जो पेसमेकर होते हैं वो यूज किए जाते हैं टू स्टिम्युलेट और रेगुलर हार्ट बीट जब बॉडी की नेचुरल इलेक्ट्रिक पेसिंग सिस्टम जो है वो इरेगुलर हो जाता है या अब ट्रांसमिट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तब इसे यूज किया जाता है। वेरियस पावर सोर्सेज हैव टू बी यूज्ड फॉर पेसमेकर्स। उसमें हम इंक्लूड करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक बैटरीज जो कंटेन करती हैं 2 to 4 क्यूरीज ऑफ प्लूटोनियम 238। और जैसे कि टर्म थर्मो इलेक्ट्रिक है वो इम्प्लाई करती है कि जो हर्ट है फ्रॉम डिकेइंग प्लूटोनियम उसे यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो स्टिम्युलेट करती है हर्ट को। तो प्लूटोनियम का यूज होता है हार्ट के पेसमेकर्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।